हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स, व्हाट इज द सीक्रेट दैट मीना शेयर्स विद मृदु इन द बैकयार्ड। मतलब वो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो मीना शेयर करती है, बताती है मृदु को बैकयार्ड में। पिछले जो आंगन होता है हमारा, उसे बैकयार्ड कहते हैं। आंसर, मीना शेयर द सीक्रेट ऑफ हैविंग अ किटन इन द बैकयार्ड इनसाइड अ टॉर्न फुटबॉल लाइंड विद सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। ये क्या कह रही है मीना? मीना सेज कि एक किटन है। किटन क्या होती है? बिल्ली के बच्चे को किटन कहते हैं। ओके, कि एक किटन है जो मैंने बैकयार्ड में छुपाई है। किसके अंदर छुपा रखी है उसने? एक फटी हुई फुटबॉल होती है, जो फटी हुई बॉल है उसके अंदर छुपाई है उसने। सैकिंग एंड फिल्ड विद सैंड, जो कि किससे भरी हुई है? मिट्टी से, सैंड से भरी हुई है। दे फाउंड हिम आउटसाइड द गेट इन द मॉर्निंग। उन्हें कहाँ मिली थी ये बिल्ली का बच्चा? कहाँ मिला था इन्हें? मिला था आउटसाइड द गेट, गेट के बाहर, सुबह सुबह। ठीक है, हाउ डज रवि गेट मिल्क फॉर द किटन। रवि किटन के लिए दूध कैसे लाया? ठीक है, आंसर, फॉर गेटिंग मिल्क फॉर द किटन रवि टोल्ड पाती डैट ही इज़ हंग्री व्हेन शी सॉ हिम विद द ग्लास ऑफ मिल्क। पाती गॉट सस्पिशियस सो रवि हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ द मिल्क एंड टोल्ड पाती डैट ही विल वॉश द टम्बलर बाय हिमसेल्फ। ओके, तो क्या करता है रवि? रवि अपनी पाती है, जो पाती थी इसके चैप्टर के अंदर, उनको जाके बोलता है कि मैं हंग्री हूँ, मतलब मुझे भूख लगी है, तो मुझे दूध दे दो। तो जब वो पाती होती है उसकी, वो क्या देखती है कि रवि खुद नहीं, मतलब लेके जा रहा, खुद नहीं पी रहा मिल्क, बाहर लेके जा रहा था वो। तो इसके कारण जो रवि है उसको क्या करना पड़ता है? ज़्यादातर दूध खुद ही ख़त्म करना पड़ता है, जो कि उसने बिल्ली को देना था। ठीक है, और उसके बाद वो पाती को क्या कहता है? वो उसे कहता है कि आप चली जाइए, मैं खुद ही धो दूँगा इस ग्लास को या टम्बलर को। ओके, आफ्टर डैट रवि रैन एंड पोर द मिल्क इन टू कोकोनट शेल एंड देन रैन बैक टू वॉश द टम्बलर बिफोर पाती गॉट रियली सस्पिशियस। ओके, तो इसके बाद क्या करता है रवि? रवि इसके बाद जाता है भागकर, जो कोकोनट शेल रखा होता है किटन के लिए, जिसके अंदर वो दूध पीती है, उसके अंदर मिल्क डालकर वापस से जल्दी भाग आता है वापस। क्या करके मिल्क उसके अंदर डाल के और ग्लास धोने, टम्बलर धोने के लिए किचन की तरफ चला जाता है, इससे पहले कि उसकी पाती है जो उसको और शक हो उस पर, उससे पहले वो टम्बलर धोने के लिए रवाना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हु डज ही से द किटन्स एंसेस्टर्स आर, डू यू बिलीव हिम। अब क्वेश्चन 3 कह रहा है कि हु डज ही से, वो किसे कहता है कि किटन के एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स होते हैं पूर्वज, कि किटन के जो पूर्वज हैं वो कौन हैं, आप उसके अंदर यकीन रखते हो? आंसर इज, ही सेड द किटन्स एंसेस्टर्स वर द महाबलीपुरम ऋषि कैट विच वॉज द एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी एंड द महाबलीपुरम ऋषि कैट वॉज डिसेंडेंट्स ऑफ द कैट गॉडेस ऑफ इजिप्ट। नो, आई डोंट बिलीव हिम। अब क्या है, कहते हैं कि जो ये किटन के एंसेस्टर्स हैं वो महाबलीपुरम ऋषि कैट हैं। तो ये महाबलीपुरम ऋषि कैट को एंसेस्टर बताया गया है, पूर्वज बताया गया है, किसके? किटन के। विच वॉज द एम्बलम ऑफ द पलवा डायनेस्टी, पलवा डायनेस्टी थी एक, उसके एम्बलम हुआ करते थे, एंड इसके अंदर हम बिलीव नहीं करते हैं। रवि हैज़ अ लॉट टू से अबाउट एमपी पुनाई, दिस शोज डैट ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु। तो पहले क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन स्टेट्स कि जो रवि है उसे एमपी पुनी के बारे में बहुत कुछ कहना था अभी। ठीक है, ये तुम्हें क्या शो करता है, इससे तुम्हें क्या पता चलता है? ठीक है, ओके, तो ऑप्शंस रीड करते हैं। ही इज़ मेयरली ट्राइंग टू इम्प्रेस मृदु,
रवि मृदु को इम्प्रेस करने के लिए यह जो है वो कहता है, या फिर हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री इज़ साउंड, या फिर जो उसकी हिस्ट्री की नॉलेज है वो अच्छी है, या फिर ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन, या फिर उसकी जो सोचन शक्ति है, जो सोचने की शक्ति होती है उसे हम इमेजिनेशन पावर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि उसकी इमेजिनेशन पावर है जो वो रिच है, रिच यानी कि अच्छी है, एंड आफ्टर डैट ही इज़ एन इंटेलिजेंट चाइल्ड, या फिर वो एक इंटेलिजेंट चाइल्ड है, मतलब एक इंटेलिजेंट समझदार बच्चा है। Which of these statements do you agree or disagree to? अब इन्होंने क्या कहा कि अब इन सब statements में से तुम किसके किसे agree करते हो, किन्हें मानते हो और किन्हें disagree करते हो। I agree to these statements, that is second and third. Second statement was his knowledge of history is sound. ओके, उसकी नॉलेज है जो हिस्ट्री की वो अच्छी है। ही हैज़ अ रिच इमेजिनेशन। थर्ड वॉज कि उसकी इमेजिनेशन जो पावर है, सोचने वाली, सोचने की शक्ति है वो अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 5 सेज दैट व्हाट वॉज द नॉइज दैट स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन। अब इन्होंने क्या कहा कि वो कौन सी नॉइज थी जिसने मृदु को स्टार्टल्ड किया एंड फ्राइटन किया, किसे, महेंद्रन को। द साउंड ऑफ क्रीचिंग स्टार्टल्ड मृदु एंड फ्राइटन्ड महेंद्रन। इट वॉज द साउंड ऑफ वायलिन दैट लाली वॉज लर्निंग टू प्ले। तो वो कौन सी साउंड थी जिन्हें इन दोनों को चौंका दिया, वो थी वायलिन की साउंड। वायलिन एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे, मतलब म्यूज़िक जो है वो बजाया जाए, एंड ये कौन प्ले कर रही थी, लाली वॉज प्लेइंग। क्यों, क्योंकि वो सीख रही थी वायलिन बजाना। ओके, अब आ गए हैं हम पेज नंबर 28 के कॉम्प्रिहेंशन चेक पर, एंड उसका फर्स्ट क्वेश्चन है द म्यूज़िक मास्टर इज़ मेकिंग लवली म्यूज़िक, रीड अलाउड द सेंटेंस इन द टेक्स्ट दैट एक्सप्रेसेस दिस आइडिया। ओके, अब इन्होंने क्या कहा, जो म्यूज़िक मास्टर लाली को म्यूज़िक सिखा रहा था, उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज़्यादा लवली, अच्छा म्यूज़िक जो है वो बजा रहा था। रीड अलाउड द सेंटेंस, मतलब वो जो वाक्य है उसे ज़ोर से बोलो जो इस आइडिया को एक्सप्रेस करता है अच्छे से। आंसर इज़ द म्यूज़िक मास्टर्स नोट्स seemed to float up and settle perfectly into the invisible tracks of the melody. जो म्यूज़िक मास्टर के नोट थे वो seemed to float up and settle perfectly into the invisible track of the melody. मतलब कि जो मेलोडी होती है, मेलोडी ऑफ सिंगिंग, दैट इज़ जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक को बताने के लिए कि म्यूज़िक अच्छा है, उसके लिए कुछ खास जो शब्द हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि मेलोडी। ओके, कि उसके हाव भाव में वो पूरा अच्छे से बह रहे थे, मतलब गाने के जो, जब हम गाना सुनते हैं तो गाने के साथ बह जाना जब होता है, तब इतना अच्छा गाना अगर किसी को लगे तो हम उस गाने के साथ ही चलते हैं, है ना। इट वॉज़ लाइक द व्हील्स ऑफ अ ट्रेन फिटिंग स्मूथली इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। मतलब वो ऐसा था जैसे एक ट्रेन के जो टायर होते हैं, सॉरी पहिए होते हैं, व्हील्स होते हैं, वो स्मूथली फिटिंग इन टू द रेल्स एंड विजिंग अलॉन्ग। ओके, द सेंटेंस इन द टेक्स्ट एक्सप्रेस द आइडिया दैट द म्यूजिक मास्टर इज मेकिंग लवली म्यूजिक। ये वो वाक्य है जो एक्सप्रेस करता है कि म्यूज़िक मास्टर लवली साउंड जो है म्यूज़िक की वो प्रोड्यूस कर रहा है। हैड द बैगर कम टू रूका मनीस हाउस फॉर द फर्स्ट टाइम गिव रीज़न फॉर योर आंसर। जो बैगर आया था, मांगने वाला जो आया था बैगर रूका मनी के घर पर, क्या वो फर्स्ट टाइम आया था या फिर पहले भी कई बार आ चुका था, और इसके लिए रीज़न दो, मतलब वजह। ओके, आंसर इज़ नो, द बैगर हैड नॉट कम टू रुकामनी'स हाउस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम बिकॉज पाती सेड टू तापी दैट ही हैड बीन कमिंग इन देयर हाउस एवरी डे फॉर द पास्ट वीक एंड इट्स टाइम टू फाउंड हिम अनदर हाउस टू बैग फ्रॉम। मतलब
कि उनके घर पर वो पहली बार नहीं आया था, पहले भी बहुत बार आ चुका है लास्ट वीक से, यानी कि पिछले हफ्ते से इन्हीं के घर में आकर वो बैग कर रहा है, मांग रहा है। ओके, और ये कैसे उसे हमें पता चलता है कि एक हफ्ते से आकर वो मांग रहा है? क्योंकि ये लाइन जो है पाती ने तापी से कही थी, ठीक है? और पाती ने तापी से ये भी कहा था कि अब इसको एक हफ्ता हो गया है हमारे घर पर आकर बैग करते हुए, मांगते हुए। नाउ इट्स द टाइम टू फाउंड अ अदर होम, फाउंड एन अदर होम, मतलब कि अब हमारे घर से रोज़ ये आता है मांगने, अब इसको किसी और घर को ढूंढ लेना चाहिए जहाँ से इसे मांगना है। क्वेश्चन नंबर 3, अ शार्प वी शेप्ड लाइन हैड फॉर्म्ड बिटवीन हर आईब्रोज, व्हाट डज इट सजेस्ट टू यू अबाउट रुकामणि'स मूड? मतलब कि हमारे आईब्रोज होते हैं, वहाँ पर जो रुकामणि थी उसकी एक पूरी परफेक्ट वी शेप बन गई थी, तो ये क्या सजेस्ट करता है आपको कि रुकामणि का उस टाइम मूड में क्या था, मतलब उस टाइम उसका कैसा मूड था? तो वी शेप बेसिकली तब फॉर्म होती है जब हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? तब, बाकी पढ़ते हैं। आंसर सेज वी शेप्ड आईब्रोज इज़ फॉर्म्ड ओनली व्हेन पीपल आर इन एंगर, जब लोगों को गुस्सा आता है तब ही वी शेप्ड आईब्रो जो है वो फॉर्म होती है। दिस सजेस्ट डेट रुकामणि वॉज वेरी एंग्री इन मूड व्हेन शी केम टू नो अबाउट द मिसिंग चप्पल्स ऑफ द म्यूजिक टीचर। तो उसे इस लाइन से हमें क्या पता चलता है कि जो रुकामणि है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ था जब उसे ये पता चला कि जो म्यूज़िक टीचर हैं उनकी जो चप्पल थी वो गायब हो चुकी हैं। ओके, पेज नंबर 29, वर्किंग विद द टेक्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फर्स्ट सेंटेंसेस, रवि कंपेयर्स लाली इज़ प्लेइंग द वॉयलन टू, जो रवि है वो लाली का जो वॉयलन प्ले कर रही थी, वो वॉयलन जो लाली बजा रही थी, रवि उसको किससे कंपेयर करता है वो बताना है। तो रवि कंपेयर्स लाली इज़ प्लेइंग द वॉयलन टू ड्रिलिंग ऑफ द ट्रेन गोइंग कंप्लीटली ऑफ ट्रैक। तो किससे कंपेयर करता है? एक ऐसी ट्रेन जो पटरी से निकलकर बिल्कुल ही ऑफ ट्रैक जा रही हो, मतलब ट्रैक तो दिख ही नहीं रहा। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन, ओके, महेंद्रन ने चिलीज की प्लेट के नीचे कुछ छुपाने की कोशिश की थी, वो क्या था? ये लाइन कंप्लीट करनी है। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ द ट्रे ऑफ चिलीज महेंद्रन टेप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, महेंद्रन ने वो चिलीज अपने लिए खुद ले ली थी थोड़ी सी। ओके, द टीचर प्लेड अ फ्यू नोट्स ऑन हिज वायलन एंड लाली स्टम्बल्ड बिहाइंड हिम ऑन हर वायलन विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस एंड अनहैप्पी इन हर हैंड्स। तो जो टीचर था उसने कुछ नोट्स ऑफ वायलन उसने खुद बजाए, उसके बाद स्टम्बल बिहाइंड हिम ऑन हर वायलन, लाली अपना खुद का वायलन उसके बाद जब बजाने लगी, विच लुक्ड क्वाइट हेल्पलेस, मतलब उसे उस टाइम बजाना तो नहीं आता था प्रॉपरली, बट स्टिल ओके। देन इज द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड डैश, इसके आगे हमने भरना है काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब कि उस घर की वो काइंड लेडीज थी जो उसे हर रोज़ कुछ ना कुछ दे देती थी। ओके, द बैगर सेड दैट द काइंड लेडीज ऑफ द हाउस होल्ड कैप्ट हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर ऑन देयर जेनरॉसिटी फॉर अ होल वीक, ही कुड नॉट बिलीव दैट दे वुड टर्न हिम अवे। उसने क्या कहा बैगर ने कि मुझे नहीं लग रहा था कि इतनी हेल्पफुल, इतनी मददगार जो लेडीज़ हैं, तो इन्होंने एक, मतलब जो मुझे एक हफ्ते से हेल्प करती आ रही हैं, मुझे मना कर देंगी टर्न मी ऑफ देयर हाउस, मतलब कि मुझे अपने घर से ये कहकर निकाल देंगी कि हम तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। फिफ्थ पार्ट सेज आफ्टर द लेसन वॉज ओवर द म्यूज़िक टीचर आस्क्ड लाली इफ, ओके, After the lesson was over, the music teacher asked Lali if she had seen his chappals. तो जब म्यूज़िक टीचर ने लाली को सब पढ़ा दिया था, उसके बाद उन्होंने उससे ये क्वेश्चन पूछा, ये सवाल किया कि क्या तुमने मेरी चप्पल्स कहीं देखी हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द म्यूज़िक टीचर एज सीन फ्रॉम द विंडो।
बच्चों ने म्यूजिक टीचर को विंडो से देखा था, तो ये डिस्क्राइब करना है कि कैसा था वो म्यूजिक टीचर. आंसर इज एज सीन फ्रॉम द विंडो म्यूजिक टीचर हैड द बोनी फिगर. ही हैड मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग glittered on his hand as it glided up and down the stem of the violin. A large foot stuck out from the beneath his gold bordered vashti edge, and he was beating time on the floor with the scary big toe. Okay. तो जैसे उसे हमने मतलब उन्होंने उसे विंडो में से देखा, तो टीचर उनका कैसा लग रहा था. टीचर हैड द बोनी फिगर. बोनी फिगर का मतलब है कि वो टीचर जो था वो बहुत ही ज़्यादा पतला था. मतलब बोनी फिगर मतलब एक टाइप से हड्डियाँ जिसकी दिख रही हों उसे हम कह देते हैं कि उस इंसान का बोनी फिगर था. ही हैड अ मोस्टली बाल्ड हेड विद अ फ्रिंज ऑफ ऑयल्ड ब्लैक हेयर. ओके, तो जो उसके बाल थे, मतलब बाल तो थे नहीं सिर पे, क्योंकि जो बाल्ड होते हैं दैट इज़ नॉट, दे डोंट हैव हेयर, तो उसे वो गंजा था आदमी. और क्या कह सकते हैं कि जो उसके दो चार बाल थे सिर पे, उन्हें उसने पूरा जो तेल है वो लगाया हुआ था अपने बालों पर. ओके, एंड दे वर फॉलिंग अराउंड हिज ईयर्स एंड एन ओल्ड फैशन टफ्ट. तो जो उसके वो दो चार बाल थे जिससे उसने पूरा तेल लगाया हुआ था, वो उसके ईयर्स के पास गिर रहे थे. मतलब इमेजिन कर सकते हो आप कैसे गिरते हैं वैसे. अ गोल्ड चेन ग्लीम्ड अराउंड हिज लेदरी नेक एंड अ डायमंड रिंग ग्लिटर्ड ऑन हिज हैंड एज इट ग्लाइडेड अप एंड डाउन द स्टेम ऑफ द वायलिन. जो उसकी नेक थी उसके अंदर, उसके ऊपर उसने क्या डाली हुई थी, एक गोल्ड की चेन, उसके हाथ में एक डायमंड की रिंग थी, जिसके साथ वो जो वायलिन होता है उसको भी थोड़ा सा ग्लाइड कर रहा था, मतलब बजा रहा था. ओके, अ लार्ज फुट स्टक आउट फ्रॉम बीनीथ हिज गोल्ड ब्रॉडेड वैश्ती एज एंड ही वॉज बीटिंग टाइम ऑन द फ्लोर विद द स्केरी बिग टो. जो उसका पैर था वो बहुत बड़ा था, जिससे वो बार बार टैप कर रहा था. मतलब जब हम म्यूज़िक वगैरह सुनते हैं, वी स्टार्ट टैपिंग, हम टैप करना स्टार्ट कर देते हैं फ्लोर पर, क्योंकि उसकी म्यूज़िक की साउंड ही ऐसी होती है कि इट मेक्स अस टैप. ओके, तो वो भी ऐसे कर रहा था. नेक्स्ट इज वॉट मेक्स मृदु कंक्लूड डैट द बैगर हैज़ नो मनी टू बाई चप्पल्स. मृदु कंक्लूड डैट बैगर हैड नो मनी टू बाई चप्पल्स बिकॉज हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड. मृदु को ऐसा कैसे लगा कि जो बैगर है उसके पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि वो चप्पल खरीद सके. तो ऐसा उसको ऐसे पता चला कि जो बैगर के पैर थे, जो बैगर के फीट थे, उनके ऊपर छाले हो रखे थे. ब्लिस्टर्स मीन्स छाले हो जाना, तो इसलिए मृदु को यहाँ से कंक्लूड हुआ. व्हाट डज शी सजेस्ट टू शो हर कॉन्सर्न. शी सजेस्टेड मृदु एंड रवि अबाउट द पेयर ऑफ ओल्ड स्लीपर सो डैट दे कुड गिव इट टू द बैगर. तो मृदु एंड रवि को क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हमें एक ओल्ड पेयर, जो पुराना कोई पेयर पड़ा है चप्पल का, वो हमें इस बैगर को दे देना चाहिए. हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर क्यूरियसली क्वाइट वेंट ऑन मोर स्लोली सीन एनीवन लर्किंग अराउंड द वरांडा. ओके, तो ये डायलॉग हैं जो कि बोले गए थे. ओके, व्हाट डू यू थिंक रुकामणि रियली वॉन्टेड टू आस्क. कहते तुम्हें क्या लगता है कि इस लाइन से, क्योंकि ये डायलॉग बोले हैं रुकामणि ने, तो अब ये तुम्हें ये पूछ रहे हैं कि इस लाइन से तुम्हें क्या लगता है कि रुकामणि सीरियसली क्या पूछना चाहती है. मतलब उसके दिमाग में ऐसी क्या चीज़ है जो वो पूछना चाहती है. तो रुकामणि एक्चुअली वॉन्टेड टू आस्क द चिल्ड्रन इफ दे हैड सीन द म्यूजिक मास्टर्स चप्पल्स. तो रुकामणि क्या पूछना चाहती है बच्चों से कि क्या उन्होंने म्यूजिक मास्टर की चप्पल देखी है. ओके, देन इज व्हाई डिड शी चेंज हर क्वेश्चन. उसने अपना क्वेश्चन क्यों बदल दिया.
शी चेंज्ड हर क्वेश्चन बिकॉज चिल्ड्रन वर क्यूरियसली क्वाइट एंड शी सस्पेक्टेड ए चिल्ड्रन मस्ट हैव डन समथिंग विद चप्पल्स. तो उसने अपना क्वेश्चन ये इसलिए बदल दिया क्योंकि जो चिल्ड्रन थे वो कुछ बोल नहीं रहे थे, चुप खड़े थे. तो उससे जो ये थी रुकामनी, उसको शक हुआ कि पक्का इन्होंने ही चप्पल्स के साथ कुछ मिस्चीफ किया है, कुछ गलत किया है, तो ही ये कुछ नहीं बोल रहे. What did she think had happened? She thought that the children had given the music master's chappal to the old beggar. तो उन्होंने क्या सोचा रुकामणि ने कि जो बच्चे हैं इन्होंने म्यूज़िक मास्टर की चप्पल्स जो हैं ये जो beggar आया था उसको इन्होंने दे दी. Next question. On getting Gopu Mama's chappals, the music teacher tried not to look too happy. Why? The music teacher tried not to look happy because he did not wanted to reveal his happiness of getting new chappals of Gopu Mamma to others. तो जब म्यूज़िक मास्टर को गोपू मम्मा की चप्पल दे दी गई डालने के लिए, तब जो म्यूज़िक मास्टर था उसने ये कोशिश की कि वो ज़्यादा खुश ना दिखे वो चप्पल लेकर. तो ऐसा क्यों था? तो ऐसा इसलिए था क्योंकि जो नई चप्पल थी वो उसे लगा म्यूज़िक मास्टर को कि उसकी चप्पल से कहीं ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो, उसकी चप्पल उससे ज़्यादा अच्छी लगी. ठीक है, ही वॉन्टेड टू शो डैट हिज ओनली चप्पल्स वर मोर एक्सपेंसिव एंड ब्रांडेड वन. तो वो जो म्यूज़िक मास्टर है वो क्या शो करना चाहता था कि जो उसकी चप्पल है, मतलब उसकी म्यूज़िक मास्टर की चप्पल हैं, सिर्फ वो ही हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं एंड ब्रांडेड हैं. ओके, एक्चुअली ही वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर गेटिंग गोपू मम्मास चप्पल. पर बाय द वे अगर देखा जाए तो गोपू मम्मा की चप्पल लेने के बाद द मास्टर, द म्यूज़िक मास्टर वॉज वेरी हैप्पी एंड उसको खुशी थी उसकी चप्पल लेकर. ओके, सॉरी, जस्ट गिव मी सम टाइम. ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट. Why was he in such a hurry to leave? तो इन्होंने कहा कि चप्पल्स का गिफ्ट मिलने के बाद, डैट इज़ चप्पल्स मिल जाने के बाद, जो बेगर था वो एक ही मिनट में इधर से उधर हो गया, मतलब गायब हो गया एक टाइप से. तो ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों हुआ होगा? तो ऑन गेटिंग अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स द बेगर वैनिश्ड इन अ मिनट बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्टेड टू लूज द गिफ्ट ऑफ दोज चप्पल्स. तो चप्पल्स का गिफ्ट मिलने के बाद वो एक मिनट में इसलिए रवाना हो गया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जो उसे गिफ्ट मिला है वो उसे खो दे. ठीक है, हिज फीट वर ब्लिस्टर्ड एंड ही कुड नॉट हैव गॉट एनीथिंग बेटर फ्रॉम दैट हाउस. जो उसके पैर थे उन पर पहले ही छाले पड़ रखे थे, तो उस मतलब इस जो गिफ्ट है इससे ज़्यादा अच्छा तो उसे और कुछ मिल भी नहीं सकता था. ओके, पेज नंबर 30 की कॉम्प्रिहेंशन चेक पर पहुंच गए हैं. क्वेश्चन नंबर 7. वॉकिंग टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, रुकामणी बिगैन टू लाफ. व्हाट मेड हर लाफ? कहते किचन की तरफ जाते हुए जो रुकामणी थी मृदु एंड मीना के साथ जा रही थी जब वो, तो शी बिगैन टू लाफ, मतलब उसे हंसी आ गई. तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि उसे हंसी आई होगी? गोपू मम्मा ऑलवेज इन सच अ हरी टू थ्रो ऑफ हिज शूज़ एंड सॉक्स एंड गेट इन टू हिज चप्पल्स एज सून एज ही कम्स होम. तो जो गोपू मम्मा हैं उनकी, वो क्या करती हैं जब भी वो घर आते हैं तो उसकी आदत क्या है कि उसने जल्दी से अपने शूज़ एंड सॉक्स उतार कर चप्पल्स में आना है, उसकी ये आदत है. तो रुकामणी बिगेन टू लाफ वाइल थिंकिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ हर हस्बैंड After hearing this incident and when he came to know about that, they had given his new chappals to the music teacher. तो जो रुकामणी है वो क्या सोचकर हंसती है? वो ये सोचकर हंसती है कि what would be the reaction of his husband, मतलब उसका जो husband है उसका क्या reaction होगा इस पर कि उसकी जो brand new चप्पल थी वो एक उसके जो म्यूज़िक मास्टर हैं उनको दे दी गई हैं. वर्किंग विद द लैंग्वेज,